दोस्तों, अगर आप अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट सीसीटीवी कैमरा सेटअप अंडर 10,000, यानी 10,000 के अंदर आपको बेस्ट सीसीटीवी कैमरे का मैं सेटअप आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसमें आपको हाई क्वालिटी में आउटपुट मिल जाएगा। काफी कमाल का ये सेटअप होने वाला जो आपको 10,000 में ही मिल जाएगा। इसमें हम कौन कौन से पार्ट्स यूज करेंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टिचकिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बुलेट कैमरा की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चार कैमरे का सेटअप बताने वाला, जिसमें दो बुलेट कैमरा रहेगा और दो डोम कैमरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुलेट कैमरा और डोम कैमरा के प्राइस में 100 से 200 रुपये का फर्क रहता ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट कैमरा की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलर कैमरा की, जो कि दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा। आपको मालूम होगा कि पहले जो कैमरास आते थे सीसीटीवी कैमरा, वो दिन में कलर दिखता था, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। लेकिन आज के टाइम पे कलर कैमरा आने लगे, जिसे हम गार्ड प्लस सीरीज कहते हैं, जो दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा। तो यहाँ पर हम कैमरा यूज करेंगे, वो होगा जीपीसी सीरीज का, सीपी प्लस 2.4 मेगापिक्सल जीपीसी सीरीज का कैमरा हम यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान रखना, सीरीज बहुत मैटर करता है। देखिए, एक आता है वीएससी सीरीज, एक आता है यूआरसी सीरीज और एक आता है जीपीसी सीरीज, जिसमें जो जीपीसी सीरीज है ना, वो काफी कमाल का आउटपुट देता है। इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना, कमाल की रहती है। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जीपीसी सीरीज का कैमरा। इसका प्राइस आपको आएगा 1260 रुपये, यानी 1200 से 1300 के बीच में आपको ये मिल जाएगा बुलेट कैमरा। अब यहाँ पर दो कैमरे की हम प्राइस कर लें तो ये समथिंग हमें 2500 पड़ जाता है। ठीक है, 2500 में हमें दो कैमरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम डोम कैमरे की बात करते हैं, ये भी सेम रहेगा, सीपी प्लस 2.4 जीपीसी सीरीज का डोम कैमरा। ठीक है, ये आपको पड़ेगा 1050 रुपये का, राइट। अब इसका प्राइस हो जाता है 2000, तो यहाँ पर समथिंग 4450 में हमारा चार कैमरा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम DVR यूज करेंगे, जो कि DVR होगा CP प्लस का 4 चैनल का। ठीक है, जो कि UVR भी कहते हैं, DVR UVR एक ही होता है, जिसमें आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे, जिसमें आपको वाईफाई भी सपोर्ट करेगा, इथरनेट केबल भी सपोर्ट करेगा, जिससे आप इजीली उसे ऑनलाइन करके अपने फोन में लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम CP प्लस का DVR इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि आएगा 1900 रुपये का, यानी 2000 मान लेते हैं। ठीक है, 2000 का यहाँ पर आ जाएगा हमारा DVR। अब हमारा प्राइस हो गया 6000। ठीक है, 4000 कैमरे का हो गया और 2000 रुपये हमारा DVR का। ठीक है, तो यहाँ पर 6650 में हमारा ये तैयार हो जाता है। ठीक है, कैमरा प्लस DVR। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SMPS, SMPS हम यूज़ करेंगे 6 एम्पियर का, जो कि आएगा 400 रुपये का। ठीक है, जो हमारे CCTV कैमरे को पावर की सप्लाई करेगा, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम 6 एम्पियर का यूज़ करेंगे, CP प्लस का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिंगल मोड मिल जाता है, एक तरफ से आउटपुट दो, एक तरफ से आप इनपुट दीजिए और दूसरी तरफ से आउटपुट आप ले सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन करना नहीं पड़ता। तो ये आएगा आपका 400 रुपये का। अब यहाँ पर इसका प्राइस हो जाता है 7000 के समथिंग। ठीक है, 6500-7000 के समथिंग इसका प्राइस हो जाता है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे हार्ड डिस्क के, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग को स्टोर भी करना है, तो यहाँ पर हम हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे 500 GB का, राइट। 500 GB का हार्ड डिस्क आएगा आपका 1700 का। ये चलो 1 TB का ही यूज़ कर लेते हैं, 1 TB का जो हार्ड डिस्क आएगा वो आपको 2500 रुपये का आएगा, सीगेट का। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क अगर हम 1 TB का लगाते हैं तो वो 2500 का आएगा, और अगर आप 500 GB का लगाते हैं तो वही आपको 1500 से 1800 में मिल जाएगा, मतलब अंडर 2000 में मिल जाएगा। आपकी चॉइस है, आप कौन सा लगाना चाहते हैं। अगर आप लंबा बैकअप चाहते हैं तो 1 TB का लगा लीजिए, और आप 10-15 दिन का बैकअप चाहते हैं, यहाँ पर 500 GB भी इनफ है, राइट। तो यहाँ पर हम चलो 1500 रुपये प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8500 हो जाता है, 7000 जो बजट था वो 8500 रुपये चला जाता है हार्ड डिस्क का करके। अब इसमें हम यूज़ करेंगे BNC पिन और DC पिन। तो यहाँ पर अगर हम टोटल 4 कैमरा लगाते हैं तो 8 यहाँ पर BNC पिन यूज़ होगा और 4 यहाँ पर DC पिन यूज़ होगा। BNC पिन यानी वीडियो पिन और DC पिन यानी पावर पिन। ठीक है, तो एक BNC पिन की कीमत होता है 13 रुपये का। आपको हो सकता है कि 15 रुपये भी लगा ले, तो 15 रुपये भी अगर लगाएगा तो 60 रुपये 4 पिन का हो जाता है। ठीक है, DC पिन आता है 10 रुपये का, तो 4 रुपये भी यूज होगा, तो ये हो जाता है 40 रुपये का। तो 6 4 10, यानी आपका 100-150 रुपये में पिन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 85 से हो गया 8600 रुपया।
ठीक है। अब इसमें हम केबल यूज़ करेंगे तो एक विंडल केबल आता है 1200 रुपये का, हाई क्वालिटी का केबल, ठीक है। तो आपको जो नीड होता है, जितनी दूरी में आपको लगा ना, उसके हिसाब से आप केबल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा एक बंडल केबल यूज़ करें तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा, जिससे आपका प्राइस समथिंग 999,000 रुपया चला जाएगा। इतने में आपका सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसमें आपको और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमने कैमरा भी चूज़ कर लिया, दो बुलेट, दो डोम कैमरा, डीवीआर भी हमने ले लिया, और हार्ड डिस्क भी हमने ले लिया, और पावर सप्लाई भी हमने ले लिया, पावर केबल भी हमने ले लिया, मतलब कैमरे के लिए केबल, और बीएनसी पिन हो गया, डीसी पिन हो गया। इतना ही आइटम आपको लगाना होगा, जो कि आपको 8 से 9 हज़ार में बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको इस सारे प्रोडक्ट का लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर से कर लेना। और जो सीरीज मैंने आपको बताया, इसी सीरीज की आप कैमरा को बाय कीजिए, जो कि है जीपीसी सीरीज। ये जो सीरीज होता है ना, काफ़ी कमाल की इसकी वीडियो की क्वालिटी होती है। एक इल्लूमैक्स सीरीज भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बट नाइट में उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं रह जाती। दिन में अच्छा क्वालिटी होता है, बट नाइट में कुछ खास क्वालिटी नहीं मिलती। इसलिए आप जीपीसी सीरीज का कैमरा लीजिए, आपको परफेक्ट क्वालिटी मिलेगा, आउटपुट जबरदस्त आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको जो पार्ट्स से बताया, आप इन्हें ही बाय कीजिए। मैं कोशिश करूंगा सभी पार्ट्स का अलग अलग मैं आपको लिंक दे पाऊँ, साथ में पूरा का 4 कैमरे का सेटअप का भी आपको लिंक दे रहा हूँ। आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहाँ से भी बाय करके उसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आप उसे असेंबल यानी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। तो ये था बेस्ट सीसीटीवी कैमरा अंडर 10,000, यानी 10,000 में बेस्ट सीसीटीवी कैमरा मैंने आपको सेटअप बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी संदीप_पटेल7 जाकर फॉलो कर लेना, उस पर मुझे डीएम कर देना। जो भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, मैं आपको डीएम का जरूर से रिप्लाई करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।